Hello dear children, welcome to Summer Camp Creative Classes. I am Priyanka Rathi, Art and Craft teacher. Today we will learn how to make scenery. So, let's see what are requirements you need for that. मैंने यहाँ कार्डबोर्ड बॉक्स की शेप में लिया है, ज़रूरी नहीं आप भी ऐसा ही लें, प्लेन भी ले सकते हैं. स्केल, फेविकॉल, सम मिरर्स, पोस्टर, ब्रश, वाटर, देन टूथपिक और वूल. नाउ स्टार्ट, टेक फेविकॉल, अप्लाई इट प्रॉपर. आपको यहाँ ध्यान रखना है, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं होना चाहिए. स्केल की हेल्प से इस तरह से इक्वली स्प्रेड कर सकते हैं. शीट लेनी है, शीट आपको इस तरह से पेस्ट करना है कि उसमें गैप ना रहे. नाउ आपको चारों तरफ इस तरीके से फेविकॉल लगा के इसको पेस्ट करना है. कट कीजिए, देन पेस्ट इट, सेम कट इट. Now apply favicol, then paste it. Same. आपको कंप्लीट इसी तरीके से बॉक्स पे करना है, तब भी आपको ऐसे ही करना है. Now हमने यहाँ पर बॉर्डर बनाया है, यहाँ हम 3 सेंटीमीटर मेज़र करके बॉर्डर बना लेंगे. अब पेंसिल लेंगे, पेंसिल की हेल्प से हम थोड़ा सा कर्व करते हुए इस तरीके से लाइनिंग ड्रॉ कर लेंगे. स्केल की हेल्प से हम एक स्ट्रेट लाइन, देन स्लैंटिंग लाइन, देन अगेन स्लैंटिंग लाइन. अब बर्ड के बैक के लिए हम थोड़ा सा कार्डबोर्ड को टर्न करके एक स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करेंगे. अब आप कोई भी बॉटल कैप ले लीजिए फेस के लिए. ये ध्यान रखना तो लाइन से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए और ये सर्कल हम ड्रॉ कर देंगे. नाउ पीछे से थोड़ा सा छोड़कर फेस के सर्कल से हम थोड़ा सेमी सर्कल ड्रॉ करते हुए ऐसे ज्वाइन कर देंगे. अब बैक के लिए हम स्केल के एक ट्रायंगल बना लेंगे लाइक दिस. नाउ अब हम सेंटर बनाकर इसका जैसे लीफ बनाते हैं एक कर्व शेप में लाइन ड्रॉ करेंगे हियर. सी सेम हियर. इस तरीके से हम ज्वाइन कर देंगे. नाउ बर्ड की चोंच बनाएंगे हम. यहाँ जो हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया था वहां पर हम डबल लाइन ड्रॉ करेंगे. अब कोई भी स्केच या मार्कर लेकर हम पूरे की आउटलाइन कर लेंगे. अब हम रेड कलर लेंगे. रेड कलर को आप अच्छे से पहले पानी के साथ में मिक्स कर लेंगे तब आप कलर करेंगे, नहीं तो क्या होगा कहीं पे गाढ़ा कहीं गाढ़ा होता है तो उसकी वजह से पैचेस आ जाते हैं. रिमेंबर इट, कभी भी आप कलर पहले अच्छे से किसी चीज़ में थोड़ा सा कलर लेकर और उसमें कुछ वाटर की ड्रॉप्स डालकर उसको अच्छे से मिक्स कर लें. और इस तरीके से हम पूरे बॉर्डर पे रेड कलर कर देंगे. अब यहाँ पर भी आपको इसी तरह से रेड कलर फिल करना है दोनों जगह. देन जो हमने सेमी सर्कल ड्रॉ किया है उसको भी हम रेड कलर से ऐसे फिल करेंगे. यहाँ पर हम ब्राउन कलर करेंगे. अगर आपके पास अगर नहीं है तो रेड और ग्रीन थोड़ा मिक्स कर आप ब्राउन कलर बना लेंगे. नाउ आप छोटी कैप लीजिए और उसमें हाफ सेमी सर्कल के लिए मार्क कर लीजिए स्केल से.
और उसमें स्केच से मार्क करके, अब जो मार्क किया है उतना हम लाइन पे टच करके सेमी सर्कल इस तरीके से ड्रॉ कर लें। हम पूरा बॉर्डर पे हम इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे। आप यहाँ मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास ब्रश नहीं करना चाहते तो आप यहाँ ब्लैक मार्कर मोटे वाला यूज़ कर सकते हैं। और ब्रश यूज़ करेंगे तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ब्लैक कलर आपको इस तरीके से बॉर्डर के लिए बनाना है, और इसके अंदर एक और हमें सेमी सर्कल बनाना है जो हमें फिल करना है। कंप्लीट बॉर्डर में हम इसी तरीके से करेंगे, 4 इक्वल साइड्स हम इसी तरीके से बॉर्डर बनाएंगे। सी हमारा बॉर्डर कंप्लीट। अब हम वूल लेंगे और अब हम उसे 3D लुक देंगे अपनी पेंटिंग को। इस तरीके से हमने जो भी लाइंस हमने ड्रॉ करी हैं, अब वूल पे हम फेविकॉल लगाकर वूल को इस तरीके से पेस्ट करेंगे कॉर्नर कॉर्नर पे। सी ऑलमोस्ट कंप्लीट। आपको इस तरीके से फेविकॉल लगाते रहना है और उसको पेस्ट करना है। आप होल्ड के लिए कुछ बॉटल वगैरह कुछ इसके ऊपर रख भी सकते हैं, लाइक दिस, जैसे कि जल्दी पेस्ट हो जाएगा। सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए हमें बॉटल रखनी है और उससे ये सही से पेस्ट हो जाएगा। खासकर कर्व शेप में सी नाउ कंप्लीट। अब हम टूथपिक लेंगे और व्हाइट कलर लेंगे। व्हाइट कलर से अब हम जो हमने सेमी सर्कल ब्लैक कलर के फिल कर रहे थे उसमें हम बीच सेंटर में व्हाइट कलर से डॉट लगाएंगे, और जो हमने उसका बॉर्डर बनाया था छोटे छोटा थोड़ा थोड़ा गैप छोड़कर इस तरीके से देंगे। टूथपिक की हेल्प से हम स्टैम्प करेंगे। मैंने स्टिपलिंग भी बोलते हैं इसको। सी कंप्लीट बॉर्डर में आप तरीके से करेंगे। नाउ यहां भी आप बर्ड के उसमें थोड़ा थोड़ा गैप छोड़कर स्टिपलिंग करेंगे। यहां पर अब हम फेविकॉल अप्लाई करेंगे और अब हम यहां पे मिरर्स लगाएंगे। आपके पास जैसे भी मिरर है आप वैसे लगा सकते हो, नहीं है तो आप मत लगाइए, इट्स ऑप्शनल। अगर आपके पास हैं तो आप लगा सकते हैं। ये डेकोरेट करेगा अच्छे से। सी अगर आपके पास स्टोन हो कोई छोटे छोटे आप वो सकते हैं, अगर आपके पास मिरर्स नहीं है, या कोई छोटे फ्लावर आप कट करके सकते हैं डेकोरेट के लिए, जो आपके पास हो वो लगा सकते हैं। मोती भी लगा सकते हैं इसमें। सी सेम हमने यहाँ पर भी ये किया है। ग्लासेस हम वेवी शेप में हम लोग मिरर को इस तरीके से लगाएंगे।
आईज में हम एक सर्कल पे मिरर लगाएंगे, देन बैक साइड में भी हम कुछ 3 मिरर्स इस तरीके से लगाएंगे। हियर थोड़ा सा शाइन करता है और सुंदर लगेगा। कुछ डायमंड शेप में हम सेंटर में ऐसे लगा लेंगे। आप सर्कल का भी लगा सकते हैं अगर सर्कल का आपके पास है। अब वाइट कलर से सेम यहाँ जो हमने डायमंड शेप की लाइन बनाई है उसके हम स्टिपलिंग कर देंगे टूथपिक की हेल्प से, नीचे डाउन में भी यहाँ पर हम कॉर्नर में करेंगे। बोथ साइड सी नाउ इट्स कंप्लीट। देन सेंटर में यहाँ पर हम वेवी शेप में 2 लाइंस में स्टिपलिंग करेंगे। अब यहाँ सेंटर में हम फेविकॉल अप्लाई करेंगे, देन पेस्ट मिरर्स लाइक दिस, अप्लाई फेविकॉल देन पेस्ट इट। हम यहाँ पर मिरर डायमंड मिरर ले रहे हैं, आप सर्कल हैं सर्कल वाले हों आपके पास कोई भी हो वो आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब रेड कलर के से हम आईज के सेंटर डॉट लगाएंगे, ऐसे ही यहाँ पर हम डायमंड शेप की थोड़ा सा बिग सर्कल करेंगे, देन बैक साइड में सेंटर में एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और छोटी छोटी स्टिपलिंग की ओनली 1 लाइन वी विल डू इट। नाउ अब हम इसके बैकग्राउंड में कुछ डिज़ाइन देंगे, पहले आप देख लीजिए फिर हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। आपको 4 लाइंस इस तरीके से ड्रॉ करनी है, देन अगेन 4 लाइंस, तो आप 4 लाइंस का ड्रॉ करिए या फिर 3 लाइंस का, बट ध्यान रखिए आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको कंप्लीट पेंटिंग के बैकग्राउंड में इसी तरीके से डिज़ाइन देना है। सी Now our scenery is complete. See, it's beautiful. So dear children, कैसी लगी आपको scenery? Now I will show you different designs. Bye bye.